तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे कर्नाटक में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए और साथ ही कांग्रेस पर भी हमलावर होते हुए नजर आए। लेकिन इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी ने अपना नाम वापस ले लिया है और ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी ने इंदौर सीट से अपना नाम वापस ले लिया है। अक्षय कांति बम ने नामांकन फॉर्म अपना वापस ले लिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां ये भी कहा जा सकता है कि कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। इंदौर संसदीय चुनाव में अब कांग्रेस चुनावी मैदान में ही नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति को जिस अपना प्रत्याशी अपना उम्मीदवार कांग्रेस ने बनाया था उन्होंने अब अपना नाम वापस ले लिया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, इंदौर के कांग्रेस प्रत्याशी ने अपना नाम वापस ले लिया है। और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं, हमारे साथ में हमारे सहयोगी आदित्य इस वक्त जुड़ गए हैं भोपाल से। आदित्य, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट इस पूरे मामले पर? देखिए, बहुत बड़ी खबर है, इंदौर से जो कांग्रेस के प्रत्याशी अक्षय कांति बम वो अभी थोड़ी देर पहले पहुंचे कलेक्ट्रेट कार्यालय और वहां से अपना फॉर्म वापस लिया उन्होंने। और उनके साथ जब वो बाहर निकल रहे थे तो रमेश मेंदोला जो इंदौर एक से विधायक है वो उनके साथ मौजूद थे, भारतीय जनता पार्टी के विधायक है। और थोड़ी देर बाद कैलाश विजयवर्गीय का एक ट्वीट आया है, उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में अक्षय कांति बम जी का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। यानी कि बीजेपी की तरफ से इसकी आधिकारिक पुष्टि भी कर दी गई है कि वो अब भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। हालांकि ये हो सकता है कि थोड़ी देर बाद वो औपचारिक तौर पर पार्टी कार्यालय में पार्टी की सदस्यता लेते हुए भी दिखाई दे सकते हैं। देखा जाए तो क्लीन स्वीप है और अब कोई मुकाबला कांग्रेस जो मुख्य विपक्षी दल हुआ करता है मध्य प्रदेश में, मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही होता है। ऐसे में ये कह सकते हैं कि अब कांग्रेस की तरफ से इंदौर में कोई प्रत्याशी फिलहाल तो नहीं। जी, इस बार कहीं ना कहीं ये माना जाए कि जिस तरीके से गुजरात में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा, उसी तरह से ठीक उसी तर्ज पे मध्य प्रदेश में भी एक बड़ा झटका लगा है कांग्रेस को। आदित्य, देखिए ये इसको एक तरीके से और देखा जाए, ये इंडिया अलायंस के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका है। आप मध्य प्रदेश में अगर देखेंगे तो खजुराहो की एक सीट थी जिसको इंडिया अलायंस ने छोड़ा था, कांग्रेस ने छोड़ा था इंडिया अलायंस के लिए, और समाजवादी पार्टी से भी एक उम्मीदवार उतारे गए थे और उनका फॉर्म निरस्त हो गया था। वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को एक तरीके से क्लीन स्वीप मिला। और यहां पर भी अगर देखें तो बीजेपी के लिए एक तरीके से बिल्कुल मैदान साफ नजर आ रहा है अब। हालांकि कुछ निर्दलीय उम्मीदवार है वहां पर, लेकिन मुख्य मुकाबला अब फिलहाल कांग्रेस तरफ से नहीं दिखाई दे रहा है और बीजेपी के लिए रहा एकदम आसान दिखाई दे रही है। और देखिए ये सिलसिला मध्य प्रदेश में चल रहा है, आप अगर जनवरी से लेकर अब तक देखेंगे तो करीब 15,000 से ज्यादा कार्यकर्ता जो हैं वो कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। और ये इस तरीके से चुनाव से ठीक पहले एक प्रत्याशी का आना एक बड़ी खबर हो जाता है और कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा सेटबैक अगर कहें तो वो आज इंदौर से अक्षय कांति बम ने दे दिया। जी आदित्य, भारतीय जनता पार्टी ने इस वक्त अगर देखा जाए तो शंकर लालवानी को वहां से अपना टिकट दिया है, तो क्या ये माना जाए कि उनकी जीत लगभग तय है, क्योंकि कड़ी टक्कर देने वाला अब कोई प्रत्याशी नहीं है? देखिए बिल्कुल, ये बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया भी कि मध्य प्रदेश में दो ही पार्टियों के बीच मुख्य मुकाबला होता है, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। अब कांग्रेस के उम्मीदवार अब इंदौर में नहीं बचे हैं, कुछ प्रत्याशी हैं जो निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। और ऐसे में अब देखा जाए तो बहुत आसान हो गया है भारतीय जनता पार्टी के लिए इंदौर। हालांकि इंदौर वो सीट रही है जहां से बीजेपी के एक तरीके से बीजेपी लंबे समय से वहां जीतते भी आ रही है, सुमित्रा महाजन लंबे समय से वहां से सांसद रही, उसके बाद शंकर लालवानी को पिछली बार टिकट दिया गया, शंकर लालवानी अच्छे खासे मार्जिन से वहां से चुनाव जीते थे, इस बार फिर शंकर लालवानी पर पार्टी ने भरोसा जताया था। और अब तो स्थिति ये हो गई है कि जो सामने जो आपका प्रतिद्वंदी था, मुख्य प्रतिद्वंदी था, वही मैदान से बाहर हो गया और अब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया। यानी कि वो ऐसा नहीं है कि कहीं और चले गए हैं, वो बीजेपी में आ चुके हैं और एक तरीके से अब देखा जाए तो वही प्रत्याशी जिसके लिए कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता इंदौर में सभाएं कर रहे थे, जिसके पक्ष में वोट मांग रहे थे, अब वही प्रत्याशी कलेक्ट्रेट पर पहुंचते हैं और डीएम के ऑफिस पहुंचते हैं और जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से अपना फॉर्म वापस ले लेते हैं। तो एक बहुत बड़ा मैसेज इंदौर से जो है, केवल इंदौर ही नहीं कहेंगे, इसका एक बहुत बड़ा असर पूरे प्रदेश में जाएगा, एक मैसेज बहुत बड़ा प्रदेश में जाएगा और कांग्रेस को अब इसको इस पूरे मामले को टैकल करना बहुत मुश्किल भी हो जाएगा आने वाले समय। जी आदित्य, अगर देखा जाए तो अक्षय कांति जिन्होंने अपना नामांकन जो है वो वापस लिया है, अपना पर्चा वापस लिया है, क्या उनकी तरफ से किसी प्रकार का कोई बयान अभी तक सामने आया कि आखिर इसके पीछे वजह क्या रही? देखिए अभी तक कोई बयान उनका नहीं आया है, हम कोशिश कर रहे हैं उनसे बात करने, लेकिन हाँ कलेक्टर थोड़ी देर पहले बाइट दे रहे थे, डीएम जो है उन्होंने इस बात की आधिकारिक तौर पर पुष्टि जरूर कर दी है। और
देखिए, आमतौर पर ये मध्य प्रदेश में देखा गया है, जो लोग कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, अभी तक जो मैंने आपको आंकड़ा बताया ना जी, इस आंकड़े में 90% कांग्रेस के कार्यकर्ता दो तीन बातें बोल रहे हैं। एक तो वो ये बोल रहे हैं कि राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी भगवान राम की, तो जो उसका अपमान हुआ कांग्रेस पार्टी की तरफ से या जो बयानबाजियां हुई, कहीं ना कहीं वो उससे आहत नजर आए। दूसरी बात, जिस तरीके से कांग्रेस की लीडरशिप मध्य प्रदेश में काम कर रही है, राष्ट्रीय नेतृत्व जिस तरीके से जिस लाइन पर काम कर रहा है, उन लोगों का ये कहना था कि वो कहीं ना कहीं उनकी आइडियोलॉजी से मैच नहीं खा रहा था। कांग्रेस के जो पुराने कार्यकर्ता थे वो यही कह रहे थे कि पहले की कांग्रेस में और आज की कांग्रेस में जमीन आसमान का फर्क नजर आ रहा है, सम्मान जो उनको कांग्रेस में मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। ये आमतौर पर कॉमन बातें हैं कृतिका, जो हर व्यक्ति जो कांग्रेस से कांग्रेस का कार्यकर्ता निकलकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा है तो इस तरह की बातें बोलता है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि जब अक्षय कांति बम मीडिया के सामने आएंगे या बात रखेंगे तो हो सकता है कि वो भी इसी तरह की बातें बोलते हुए दिखाई दे। जी, ये भी जानकारी मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं इस वक्त अक्षय कांति आदित्य। मैंने कहा ना, थोड़ी देर में हो सकता है कि औपचारिक तौर पर ये तस्वीर आ जाए हमारे सामने, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय ने तो इसकी पुष्टि करी दी है, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है जी, और एक सेल्फी लिए कैलाश विजयवर्गीय आगे बैठे हुए हैं, पीछे रमेश बंदोला और उनके साइड में अक्षय कांति बम बैठे हुए हैं गाड़ी में, और कैलाश विजयवर्गीय उस पर लिख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, वीडी शर्मा के नेतृत्व में अक्षय कांति बम जी का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। यानी कि बीजेपी ने आधिकारिक पुष्टि कर दी है, अब बस जो अंगवस्त्र होता है भारतीय जनता पार्टी का वो पहनाते हुए उनको एक तस्वीर आ सकती है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है जी। आदित्य, लेकिन अगर देखा जाए तो कांग्रेस के कई सारे इस तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं, और कांग्रेस ये बीच में ये भी खबर सामने आई थी कांग्रेस की कि कांग्रेस के पास में लोग ही नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, और जो लोग हैं वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते। तो क्या इस जो अब खबर सामने आई है, जो जानकारी मिल रही है, क्या उससे ये माना जाए कि वाकई कांग्रेस के पास में लोग नहीं है, उम्मीदवार नहीं है? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा ही रही है, और जो हाल में जो दो चरणों में जब चुनाव हुए और जब वोटिंग परसेंटेज भी गिरा, तो उसको लेकर जब हम कांग्रेस के लोगों से या भारतीय जनता पार्टी के लोगों से सवाल कर रहे हैं तो बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास तो बूथ पर बैठने तक के लिए कार्यकर्ता नहीं बचे हैं। सुबह एक दो घंटे के लिए बूथ पर कुछ कार्यकर्ता देखे और उसके बाद 12 बजे के बाद तो वहां बूथ पर भी कार्यकर्ता नजर नहीं आया, यानी बिल्कुल बूथ तक दो लोग बैठते हैं पार्टियों की तरफ से प्रतिनिधि, वो भी वहां पर नजर नहीं आए। तो इस तरीके के आरोप तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की तरफ लगा ही रही है, और देखिए ये भगदड़ तो आज से नहीं मची है, ये भगदड़ तो पिछले 3 महीने से मची हुई है कांग्रेस के अंदर, और ये एक बहुत बड़ा सवाल भी है। कांग्रेस को ये सोचना भी होगा यहाँ पे कि आखिर ये क्या वजह हो रही है कि इतनी बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। छोटे कार्यकर्ता नहीं है, देखिए कई पूर्व बड़े ऐसे केंद्रीय मंत्री स्तर के नेता रहे हैं, सुरेश पचौरी हाल में आए, उसके अलावा कई ऐसे बड़े नेता जिन्होंने कांग्रेस को मध्य प्रदेश में स्थापित किया है, सींचा है एक तरीके से, वो कांग्रेस छोड़कर चुनाव से ठीक पहले जब भारतीय जनता पार्टी में अगर आ रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय कांग्रेस के लिए जरूर है। और ये वो उनका ये भी कहना है कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की अब आइडियोलॉजी काम कर रही है वो आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं मैच नहीं कर पा रहे हैं वो पुरानी कांग्रेस और अब की कांग्रेस में, और कुछ वर्तमान के मुद्दे भी हैं जिन पर उनकी प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। जी, कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी तो मैच नहीं हो रही, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस कहीं ना कहीं विपक्ष की भूमिका में तो है, लेकिन वो विपक्ष की भूमिका से भी धीरे धीरे इस तरीके से गायब होती जा रही है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं हाल में विधानसभा के चुनाव के रिजल्ट्स बताते हैं 163 बीजेपी को आते हैं और बहुत कम मामूली विधायक जो है वो मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो वो कांग्रेस के जीत कर आते हैं। तो एक बहुत बड़े जिसे कहें कि सेटबैक से पिछले विधानसभा चुनाव के परिणामों में तो कांग्रेस गुजरी है, उसके बाद आ गए लोकसभा चुनाव ठीक 6 महीने के बाद, और 6 महीने के बाद जब लोकसभा चुनाव आ रहे थे तो पिछले 3 महीने बाद से ही विधानसभा चुनाव के 3 महीने बाद से एक भगदड़ चालू हो गई मध्य प्रदेश में अगर देखें तो, और वो भगदड़ ऐसी चालू हुई है कि वो चुनाव के ठीक पहले तक यानी कि नाम वापसी होने तक की जो प्रक्रिया हो रही है वहां तक भी कांग्रेस के जो प्रत्याशी, आमतौर पर ये होता है कि प्रत्याशी जिसको टिकट नहीं मिलता है वो पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में शामिल होता है, ऐसे तो कई लोग हैं ही, लेकिन जिनको टिकट मिल गया है कांग्रेस की तरफ से वो खुद चुनाव लड़ने को अब तैयार नहीं हो रहे, वो पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा विचारणीय सवाल है कि आखिर ये हो क्या रहा है कांग्रेस के अंदर। अगर कांग्रेस अपने आप को एक बहुत सालों पुरानी एक बड़ी पार्टी कहती है, आजादी के बाद की एक बड़ी पार्टी कहती है, तो कहीं ना कहीं ये एक कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है, और चिंता कांग्रेस को इस पर अब वर्कआउट करने की भी आवश्यकता है। जी बिल्कुल, ठीक है आदित्य, आप लगातार बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। रामकृपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। जिस तरीके से ये इस वक्त बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है इंदौर से, जहां पर आपको बता दें कि कांति ने जो कि कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार थे उन्होंने अपना नामांकन पत्र ही वापस ले लिया है,
कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, ये निश्चित तौर पर सूरत गुजरात के सूरत में इस तरह की बात हुई थी, उसके बाद अब ये मध्य प्रदेश में हो रही है और नॉर्थ ईस्ट में कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जहां लोग निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। तो ये कांग्रेस के लिए बहुत ही गंभीर विषय है सोचने का कि ऐसा क्यों हो रहा है। और ये कोई सीक्वेंस लगातार जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता छोड़ करके जा रहे हैं, और एक बात तो है कांग्रेस कुछ भी दावा करे, लेकिन जो लोग ये जो भी वहां के जिनको टिकट मिला है जो छोड़ रहे हैं उन्हें जमीनी हकीकत पता है। ये लोग जो भी वहां पर राजनीति कर रहे हैं इतने दिनों से उनको पता है कि नतीजा क्या होना है। और आजकल चुनाव में इतना ज्यादा खर्च होता है, जब आपको हार बिल्कुल दिख रही है, कहीं से कोई उम्मीद नहीं है, तो अनावश्यक सिर्फ इसलिए कि पार्टी ने दिया है, अब जो भी उनका निर्णय रहा हो जिस तरह से निर्णय, लेकिन कहीं ना कहीं ये जताता है कि एक तो जो अभी विधानसभा के चुनाव हुए हैं उसके बाद से कांग्रेस को ये सोचना चाहिए था कि वो उसकी इतनी पराजय क्यों हुई है, उसके बाद कोर्स करेक्शन करना चाहिए था। कोर्स करेक्शन करने के बजाय कांग्रेस का जो हाई कमान है वो उसको लगता है कि जो वो कर रहा है वो सही है और उसमें किसी तरह का कोर्स करेक्शन करने की जरूरत नहीं है। हाल फिलहाल की जो घटनाएं हुई हैं जिस तरह से, तो कार्यकर्ता को सामने न तो नीति है न रणनीति है और किसी तरह की प्रतिबद्धता नहीं है, उसमें राष्ट्रीयता की भावना भी नहीं है। जिस तरह की अभी बातें चल रही हैं कुल मिलाकर के जो मैनिफेस्टो में बात कही गई है जी, वो नई नई चीजें वो किसी के गले नहीं उतर रही है उसको, तो कार्यकर्ता को वो नेता को यह आभास है कि होने क्या वाला है। और मैं यही कहूंगा, राजनीति में हो या चाहे जो भी हो, राजनीति में कोई सन्यासी बनने के लिए नहीं आता है। बिल्कुल, राजनीति में लोग आप जीतने के लिए आते हैं, आप देश के लिए काम करने के लिए आते हैं और एक आप आइडियोलॉजी के तहत आते हैं। पता ही नहीं है कि आइडियोलॉजी क्या है। इंदिरा की आइडियोलॉजी थी कि जात पर नपात पर, राहुल जी कह रहे हैं कि नहीं, हम उनका था जात पर नपात पर मुहर लगेगी हाथ पर, इंदिरा की बात पर। राहुल जी कह रहे हैं कि हम सबसे पहले जाति जनगणना करवाएंगे, सबका एक्सरे करवाएंगे और पता नहीं इनहेरिटेंस टैक्स लगवाएंगे। अब कोई भी जो जमीन पर लड़ाई लड़ रहा है, इन सवालों का जब जनता पूछेगी, मतदाता पूछेगा कि इसका क्या मतलब है, वो क्या जवाब देगा, उसके पास क्या जवाब है। तो ये जो पशुपेश है, जो कांग्रेस अपने अंतर विरोध से घिरती जा रही है, इसका इलाज तो कांग्रेस ही करेगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रामकृपाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय डीडी न्यूज को देने के लिए। तो सीधे तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं लगातार एक के बाद एक झटके कांग्रेस पार्टी को लग रहे हैं, और अब एक और जो नया झटका है वो मध्य प्रदेश के इंदौर से लगा, जहां पर प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने जो चुनाव लड़ रहे थे, अपना उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने खड़ा किया था, उन्होंने अब अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया है। लेकिन आने वाले समय में क्या ये जो संख्या है वो और ज्यादा बढ़ेगी, ये देखने वाली बात होगी। इस पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी, लेकिन फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के उस पर देखिए एक्सप्रेस 100 सहयोगी भावना के साथ। नमस्कार।